हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो है सी लैंग्वेज की। इस कोड को आप देख लीजिए एकदम अच्छे से, और यहां पर ये देखिए ये क्या मैंने लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है द चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज टू लर्न, यानी कि ये मैंने लिख दिया है। बाकी ये प्रोग्राम जो है दो नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करने को लेकर के है, ठीक है। तो अभी हम दो नंबर्स का एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर प्रोग्राम तो मैंने लिख ही दिया है, ये पूरा प्रोग्राम आपको दिख रहा है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक बार इसको रन करते हैं, कंपाइल किया और यहां से अगर कंपाइल हो गया तो इसको रन कर देते हैं। तो यहां पे ये देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है एंटर टू इंटीजर्स टू फाइंड द एलसीएम। तो अगर मैं यहां पे 6 एंटर करता हूं, 2 एंटर करता हूं, तो इसका एलसीएम हमारे सामने आ गया है। देख सकते हैं 6 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 है, और बाकी जो मैंने लिखा था चाइल्डहुड इज द बेस्ट स्टेज टू लर्न ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। कोडिंग स्पंज जो लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रन हो गया हमारा प्रोग्राम। लेकिन खास बात क्या है इसमें कि इसे मैंने बनाया है रिकर्जन का यूज करके। तो ये ध्यान से देख लीजिए, इसमें मैंने रिकर्जन यूज किया है, लूप का यूज नहीं किया है। ध्यान से देख लीजिए इस प्रोग्राम को, एक बार फिर रन करके दिखाता है और फिर यहां बिल्ड पे जाके कंपाइल करवा के फिर यहां से करवा लेता हूं इसको रन। तो अब की बारी हम दूसरा कोई नंबर देते हैं, यहां पे 76 दे देते हैं और 97 दे देते हैं। इन दोनों का हमें एलसीएम पता करना है। तो यहां पर इसका एलसीएम आ गया है 7372 7372। तो ये जो है एलसीएम, इस तरीके से आप रिकर्जन से कैलकुलेट कर सकते हैं।